हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अप्रो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्याज के परौंठे की रेसिपी। आज जैसा कि सभी को पता है, प्याज के परौंठे बहुत सारे लोगों से नहीं बन पाते, क्योंकि प्याज में होती है नमी और प्याज का परौंठा बनाते ही वो फट जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे टिप एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपका प्याज का परौंठा कभी नहीं फटेगा, बहुत यम्मी बनेगा, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलें कुछ नया कुछ अच्छा सीख लें आज। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। लिया है आटा। आटा बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जैसे हम रोटी का गूंदते हैं, पर 1 घंटा पहले गूंद के रखना है फ्रिज के अंदर। और ये है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच अमचूर, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हींग लेंगे, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच काला नमक। सेकने के लिए हम ऑयल लेंगे और आधा चम्मच हम ले रहे हैं भुना जीरा, आधा ही चम्मच हम लेंगे गरम मसाला। बस अब हम ना प्याज को अच्छे से छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम एक कपड़े से इसको पोंछ लेंगे जिससे कि एक्सेस वाटर इसमें से सूख जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, छिलका निकाल के मैं इसे पोंछ के ले आई हूँ। या फिर आप थोड़ी देर ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे तो भी आपका प्याज अच्छे से सूख जाएगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बहुत फाइनली चॉप करना है, इसमें बड़े बड़े टुकड़े नहीं, हमें बिल्कुल जितना बारीक हम कर सकते हैं ना उतने बारीक को चॉप करना है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मैं आपको अभी उठा के भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमको चॉप करना है। ये सारा चॉप हो चुका है। अब हमें ना जिस चॉपिंग बोर्ड पे हम इसे चॉप कर रहे थे उसके ऊपर फैला देंगे और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो लकड़ी है वो एक्सेस जो पानी है ना प्याज का, वो इसको सोख लेगी और हमें ड्राई एकदम बिना उसका प्याज मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, अब मेरे हाथ पे बिल्कुल पानी नहीं लग रहा है और मैं अब इसको शिफ्ट कर रही हूँ 15 मिनट बाद। 15 मिनट मैंने इसे सुखा दिया था अपने चॉपिंग बोर्ड पे, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो पानी सोख लेती है, और फिर मैंने बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब मैं अदरक को भी अच्छे से छीलने के बाद इसे धो दूंगी। धोने के बाद इसको भी मैं अपने चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं चॉपिंग बोर्ड ने इसका पानी भी पूरे तरीके से ले लिया है और ये हो गई हमारी ड्राई अदरक। अब इसी तरीके से मैंने जो हमारा धनिया है ना, इसको करीब आधा घंटा पहले ही धो लिया था जिससे कि इसका जो पूरा पानी है वो निकल जाए और हमारे जो प्याज और अदरक है उस मसाले में पानी ना रहे जिससे हमारे पराठे ना फटे। हमें जब प्याज का परांठा बनाते हैं ना तो थोड़ी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। अब मैंने आधा चम्मच अमचूर डाल दिया, चुटकी भर हींग डाल दिया है, आधा चम्मच भुना जीरा डाल दिया है, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ काला नमक, और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन, आधा चम्मच ही हम अजवाइन डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं नमक। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि हम पहले ही काला नमक डाल चुके हैं, तो बिल्कुल क्वांटिटी ध्यान से डालनी है। अब आधा चम्मच मैंने डाल दिया है गरम मसाला। बस इसको नीचे से ऊपर की तरफ लाते हुए सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे मसाला प्याज के ऊपर लिपट जाए, हमारा सूखा मसाला अच्छे से प्याज पे लिपट जाए, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको हिलाएंगे। आप देख पा रहे होंगे प्याज में बिल्कुल भी नमी नहीं है और ये हमारा परफेक्ट तरीके से बन गई स्टफिंग। बस अब हमने जो 1 घंटे पहले आटा गूंदा था उसके पेड़े बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आटा आप तभी के तभी मल के और तभी के तभी परौंठा बनाएंगे तो आपका परौंठा फट जाएगा, इसलिए 1 घंटा पहले मल लीजिए अपना आटा और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए अपने ये बनाना। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जब भी हम प्याज का परौंठा बनाएंगे तो प्याज में मसाला तभी डालेंगे जब हम रेडी हों अपने पराठे बनाने के लिए। तो अब देखिए, मैंने फटाफट प्याज में अपने मसाले मिलाए और साथ में मैंने एक पेड़ा बना के उसके ऊपर छोटी सी पूरी बेली, पूरी बेलने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के उस
के अंदर स्टफिंग को भर दिया है। और अब हल्के हाथ से स्टफिंग बंद करने के बाद हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल हल्के हाथों से हम अच्छे से सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे से मैंने स्टफिंग भी बहुत कम नहीं भरी है, अच्छी खासी स्टफिंग भरी है इसके अंदर। और ये बन के तैयार हो गया हमारा परौठा। अब हम इसे तवे पे सेक लेंगे और इसे यहाँ पे ध्यान रखना है जब एक तरफ से सिक जाएगा तब हम दूसरी तरफ इसको पलटेंगे, क्योंकि हमारा परौठा बहुत सॉफ्ट बना है। और अब हम इसको ना तेज आंच पे नहीं मीडियम आंच पे सेकेंगे, जिससे हमारा पराठा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरा मज़ेदार बने। ये देखिए आप कलर कितना प्यारा आ रहा है। अभी इसको दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। जहाँ पे हमारा सिका नहीं है ना वहाँ पे हमें दबाना है और दबाते हुए अच्छे से कुरकुरा बना लेना है। ये बन के तैयार हो गया हमारा परौठा। अब मैं दूसरा परौठा भी सेक दूँगी और इसे मैं अब सर्व करने वाली दही, साथ में मक्खन और साथ में एक हरी मिर्च के साथ। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक से आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।